मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का रेजिमेंटल सेंटर 1979 से महाराष्ट्र के शहर अहमदनगर में बसा है और रेजिमेंटल सेंटर में मौजूद है 3 ट्रेनिंग बटालियंस, इन्फेंट्री ट्रेनिंग, कॉम्पोजिट ट्रेनिंग और ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस बटालियन, जो तराशती है रंगरूटों की खदान से हीरे। जब एक सिविलियन सेना का हिस्सा बनता है तो सबसे पहले इन्फेंट्री ट्रेनिंग में उसकी शारीरिक क्षमता, स्टेमिना, मानसिक सतर्कता बढ़ाई जाती है और उसे युद्ध नीतियों में तैयार किया जाता है और फिर वो ट्रेन होता है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सोल्जर के तौर पर, जहां उसे मशीन्स और वेपन्स की सिखलाई दी जाती है और यहां शामिल होने वाले ये जवान हिंदुस्तान के हर प्रांत, हर राज्य, हर क्लास के होते हैं। लेकिन इनकी ट्रेनिंग इन्हें एक साथ खड़ा कर इन्हें एक ही काबिलियत का बना देती है और वो है देश की रक्षा करने वाला जवान। फिर पासिंग आउट परेड में ये शपथ लेते हैं अपने मुल्क की हिफाजत करने की और नाम नमक और निशान के लिए मर मिटने की। पासिंग आउट परेड में जब ये जवान निकलते हैं तो इन्हें इनके परिवारों से ले लिया जाता है देश की सुरक्षा कर रहे दूसरे परिवार के लिए, जिसका नाम है भारतीय सेना। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बेहद खास सेरेमनी इनकी पासिंग आउट परेड है, जहां ना सिर्फ एक जवान बल्कि उसका पूरा परिवार सम्मानित किया जाता है। जो मदर्स को और फादर्स को जो हम गौरव पदक प्रदान करते हैं, ये उनके लिए भी एक एक्नॉलेजमेंट है कि आपने चूज किया कि आप अपने बच्चे को देश की सेवा में समर्पित कर रहे हैं।